इट्स अमेजिंग। पता है क्या, आइसक्रीम्स बहुत रोमांटिक होती हैं। माय गॉड, तुम लड़कियों को तो हर चीज में रोमांस नजर आता है, चाहे वो किताबें हों, उसमें भी है, या फिर कपड़े हों, उसमें भी है, या फिर सब्जियां हों, उसमें। तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो ना? अरे भाई, मैं तुम्हारी खिंचाई कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हारी खिंचाई की तो तुम मुझसे लंबी हो जाओगी, फिर हमारी जोड़ी कैसे जमेगी? क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे मैंने नोट किया है, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तुम कुछ घबरा सी जाती हो, स्पेशली जब हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं। क्योंकि मुझे हमारा फ्यूचर एक मोड़ पर आकर रुकता हुआ सा नजर आता है। यही तो हर मोड़ की फितरत है, दूर से हर मोड़ खत्म होता सा नजर आता है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि सुकून, उसके आगे जाने का हक सिर्फ उन लोगों को होता है जो उस मोड़ तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं। और अगर तुम दूर से उस मोड़ को देखकर डर जाओगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? राज, मैं अपने रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ सामने मेरे घर वाले हैं, मेरा भाई सोहेल है। सुकून, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम अपने भाई से डरती हो ना? राज, वो एक ज्वालामुखी की तरह है जो फटता है तो कहर बरसाता है। सुकून यार, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी किसी ज्वालामुखी से डरता नहीं हूँ, और मैं हर लावा को ठंडा करना जानता हूँ। अच्छा, क्या करोगे तुम? क्या करूँगा? मैं सारे के सारे राग गा दूंगा। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो? अरे यार, तुमने फिर नेगेटिव बात की। तुम्हें हो क्या गया है सुकून? मैं जब भी इमोशनल बात करने लगता हूँ तुम कुछ ना कुछ सोचकर परेशान हो जाती हो। आखिर बात क्या है भाई? बात क्या, बात कुछ भी नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम खामखा सीरियस हो जाते हो। मैं किसी से नहीं डरती, इस दुनिया में किसी से भी नहीं डरती। अच्छा, Are you very sure? हाँ, पक्का पक्का। हाँ, तो ये मोहन लाल सुबह सुबह आपको ड्यूटी पे लगा देता है। ये है कहाँ, जरा मैं उसकी खबर लेता हूँ। भाई साहब, मुझे लगता है उन्हें भनक पड़ गई थी कि आप आ रहे हैं, बिना नाश्ता किए ही चले गए। ओ, तो इसका मतलब है दोनों का नाश्ता मुझे करना पड़ेगा। जरूर करना चाहिए, मैं भी लाती हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये हमारी भतीजियाँ कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही? सपना तो कॉलेज गई है और प्रियंका सो रही है। सो रही है? अच्छा भाभी जी, उसने आपको कल रात की पार्टी के बारे में कुछ बताया? नहीं, प्रियंका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सपना कह रही थी वहां कोई लड़का था जिसने प्रियंका को छेड़ा और आपने पीट दिया उसे। अब आप ही बताइए, कोई अजनबी मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी करे तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? हे भगवान, ये मामला क्या है? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता भाई साहब, कल रात से ही वो बहुत उदास है, किसी से बात भी नहीं कर रही। भाई साहब, वो था कौन? ये तो अब प्रियंका ही बता सकती है। अब चिंता मत करिए, उसे प्यार मोहब्बत से पूछिए कि वो कौन था और उसे कैसे जानता है। वो नहीं बताएगी भाई साहब, मैं उसे जानती हूँ, बहुत जिद्दी लड़की है वो। लेकिन भाभी जी, पूछना तो पड़ेगा ही ना, आफ्टर ऑल बेटी का मामला है। पूछूंगी मैं उससे, लेकिन भाई साहब आप इनसे कुछ मत कहिएगा, वरना ये तो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे को पता है मोहनलाल जरा सेंटिमेंटल किस्म का आदमी है, मैं उसे खामखा सेंटिमेंट के दरिया में नहीं धकेलना चाहता। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। थैंक यू भाई साहब। चाय, गर्म गरम चाय, स्टेशन से गर्म गरम चाय। आइए दादाजी, गर्म गरम चाय लेके आया हूँ आपके लिए। अरे पर तूने ये आज अपना हुलिया क्या बना रखा है? क्यों दादाजी, स्मार्ट मुंडू नहीं लग रहा मैं? भाई स्मार्ट की बात तो नहीं कर सकता, पर मुंडू बड़ा परफेक्ट लग रहा है। हाँ अरे दादाजी आइए ना, इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लाया हूँ मैं। अरे बेटा तेरे प्यार की मैं कदर करता हूँ, लेकिन दादाजी चाय ठंडी पीते हैं, गरम पीने से मुंह जल जाता है। हाँ। अरे वाह दादाजी आप भी कम नहीं लग रहे वैसे। क्या मतलब? आप भी मुंडू के दादाजी लग रहे हैं। चुप, दादाजी लग रहे हैं। वैसे दादाजी आप कर क्या रहे थे सब? अरे बेटा आज सुधा की लंबी पूजा है, मंगलवार है ना, है तो मैंने सोचा साफ सफाई मैं ही कर देता हूँ। वो जब करती है थक जाती है पर मुझे करने नहीं देती। लेकिन दादाजी दादी माँ कभी मंदिर जाने से नहीं थकती, सुबह शाम विदाउट फेल मंदिर जरूर जाती हैं। हाँ बेटा ये तो सालों से मैं भी देखता आ रहा हूं, पर यह समझ में नहीं आता कि वो भगवान से क्या मांगने जाती है। अगर तो उसकी तमन्ना यह है कि उसका बेटा अमेरिका से सारा काम वाम छोड़ के इंडिया आके उसके पास घर में रहना शुरू कर दे, नामुमकिन। और अगर वो इस बूढ़े की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही है तो क्या फायदा, इतनी लिखी है उतनी ही कटेगी, नो एक्सटेंशन। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? आपके मुंह से नाउमीदी की बातें तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं। चलिए एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि उम्र की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे की खुशियां मांगना तो एक अनलिमिटेड काम है। वो तो अपने बेटे के लिए खुशियों के अलावा कुछ और मांग ही नहीं सकती। मैं उसे अपने बेटे की खुशियों की दुआएं करने से बिल्कुल नहीं रोकता। अरे भाई दुआएं करने वाला तो हमेशा सुखी रहता है, लेकिन दुख उसे होता है जो ये देखता है कि दुआएं बिल्कुल बेअसर हो रही हैं। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद भी कोई फल नहीं, कोई असर नहीं। लेकिन दादाजी ये भी तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो दादी जी ने कभी मांगा ही ना हो। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मतलब कि वो एक माँ है, उन्होंने निस्वार्थ अपने बेटे की खुशियां मांगी हो, वापसी नहीं। नहीं बेटा मैंने सुधा को अपने बेटे की तस्वीर लिए घंटों बैठे देखा है, रोते देखा है, अरे पागलों की तरह उससे बातें करते सुना है मैंने। दादाजी हम मर्द औरतों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। हम मर्दों के लिए प्यार का मतलब तो सिर्फ प्यार पाना है, प्यार हासिल करना है, लेकिन औरतों के लिए प्यार का मतलब प्यार बांटना, दूसरों की झोली में प्यार देना। और दादी माँ यही करती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, अपने बेटे की सिर्फ खुशियां मांगती हैं। अच्छा तुझे तो प्यार की बहुत समझ है, मुझसे भी ज्यादा। अरे दादाजी अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी अक्कल आ गई है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुझे ये प्यार की समझ देने वाला कौन है। कौन है दादाजी? सुकून। शक तो मुझे भी था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती की हद तक समझा था। प्यार तो सारी हदों को तोड़ के किया जाता है दादाजी, लेकिन एक हद को छोड़कर। किस हद की बात कर रहे हैं दादाजी आप? मजहब की। भाभी जान, नहीं भाभी जान। कौन? तुम यहाँ? हाँ मैं आपके घर गई थी तो मुझे पता चला कि आप पहले निकल गए हो, इसलिए मैं भी। अच्छा अच्छा पहले सांस ले लो, बातें बाद में करना। और ये पीछे से तुम भाभी जान क्या चिल्ला रही थी? मैं अभी तक तुम्हारी भाभी जान नहीं बनी हूँ। मुझे पता है आप अब तक मुझसे खफा है ना? नहीं सुकून मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतनी सीरियस बात होने के बाद भी आप मजाक कर सकती हैं? सिर्फ बात ही सीरियस हुई है ना, हालात तो नहीं। लेकिन मुझे अपनी कही हुई बातों पर बहुत शर्म महसूस हो रही है। मुझे आपसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, मुझे तो अम्मी से भी इस तरह नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था जब मुझे पता चला कि आप अबू के जरिए पसंद की गई हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि मुझसे ये बात छुपाई गई। सोचो जब तुम्हें ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया तो सोहेल तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। प्लीज अब आप इस तरह की बातें मत कीजिए, मैंने तो नेगेटिव सोचना ही बंद कर दिया है। सोचना अगर कोई छोड़ भी दे तो उससे क्या होता है सुकून, हकीकत तो नहीं बदल जाती ना। मैं कल तक अनवर अंकल की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझे सुहेल के लिए पसंद किया, लेकिन आज मुझे इसी बात का दुख है। काश मैं अम्मी जान की पसंद होती तो ये सब प्रॉब्लम्स ही ना खड़ी होती। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जाकर सुहेल भाईजान से मिलिए और उन्हें अपने प्यार में इस तरह जकड़ लीजिए कि वो निकल ही ना पाए। अच्छा, तो प्यार के मायने आप भी जानती हैं? हाँ जानती हूँ। आई मीन किताबों में पढ़ा है ना। मुझे तो लगता है कि ये ज़ाती तजुर्बा है तुम्हारा। भाभी जान, घर में एक प्यार वैसे ही अपनी मंजिल नहीं पा रहा और मैं एक नई मुसीबत खड़ी कर दूं। ना पापा ना। सुकून, किसी रिश्ते की इज्जत के दायरे में बनने से तो अच्छा है कि हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहें। आज भी और कल भी जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारी भाभी बनकर आऊंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। इस जमाने में धर्म और जाति सब तकियालूसी बातें हैं। राज बेटे, इन 70 सालों में मैंने बहुत जमाना देखा है और बहुत तजुर्बा हासिल किया है। यह नया वक्त हमारे जमाने में भी आया था और यह नया वक्त इस जमाने में भी आया है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद तब भी होते थे, मासूमों का खून तब भी बहता था और धर्म के नाम पर दंगे फसाद आज भी होते हैं और खून मासूमों का ही बहता है। मगर दादाजी, मैं सुकून से अलग नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं राज, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कभी कभी मैं और सुधा इसके बारे में बात भी करते हैं कि तुम दोनों आपस में कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो दूसरे को। लेकिन ये सोचकर सहम भी जाते हैं कि अगर तुम्हारा प्यार परवान ना चढ़ा तो क्या हश्र होगा तुम्हारा, क्या बीतेगी तुम दोनों पर। दादाजी, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों जरूर मिलेंगे और हम दोनों की मंजिलें भी। हम भी यही चाहते हैं बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो ना बेटा, उसका रास्ता बहुत पथरीला है। उस बात की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है दादाजी, क्योंकि अगर रास्ता पथरीला है तो मैं यकीन के मजबूत जूते पहनकर उस पर चलूंगा और मंजिल किसी ना किसी तरह पा लूंगा। और उस मंजिल को पाने का मजा ही क्या है जिसका रास्ता कठिन ना हो। चाहे कोई भी कठिनाई हो, मैं ये प्यार हासिल करके ही रहूंगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत और जज्बात की पूरी कदर करता हूं। मैं तुम दोनों के दिलों की परेशानी को अच्छी तरह समझता हूं, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन डरता हूं सिर्फ अपने समाज के पुराने घिसे पिटे असूलों से या आपस के भेदभाव से। प्यार मोहब्बत के रास्ते में ये कट्टरपंथी लोग हमेशा रुकावट डालते हैं बेटा। दादाजी, आप मुझे डरा रहे हैं। आपको तो मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि मैं समाज के अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखता हूं। आई डोंट केयर कि वो कौन है या मैं क्या हूं। ऑल आई केयर इज कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप देखिएगा दादाजी, एक दिन यही समाज वाले इस रिश्ते को आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। दूर नहीं है पर अभी तक वो वक्त आया भी नहीं है बेटा। मेरी बात मानो तो तुम अपने आप को वक्त और हालात के हाथों में छोड़ दो। किस्मत जो फैसला करे उसे मान लो। नहीं दादाजी, मैं हालात से लड़ूंगा, मैं उन्हें पूरी तरह बदलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब तक तुम हालात को बदलने में कामयाब ना हो जाओ तब तक तुम दोनों को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। कोई गलत कदम नहीं उठाना बेटा, समझे? ठीक है दादाजी, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन एक हद तक, क्योंकि मैं सुकून से बहुत प्यार करता हूं। और हकीकत यह है कि ये एक बदसूरत, बददिमाग और गुड फॉर नथिंग लड़की, शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल। और हकीकत यह है कि ये एक बदसूरत, बददिमाग, बददिमाग फॉर नथिंग लड़की, शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल। और हकीकत यह है कि ये एक बदसूरत, बददिमाग, बददिमाग फॉर नथिंग लड़की, शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल। तुषार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं उस मंजिल को हासिल करके रहूंगी जहां से तुम्हारी हैसियत एक तिनके की तरह नजर आएगी, और फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज के बाद वो प्रियंका मर गई जिसने तुझसे धोखा खाया था। आज से ये प्रियंका दुनिया को अपनी जूती की नोक पर रखेगी। प्रियंका, ये तुम्हें क्या हो गया है? Are you out of your mind? नहीं सपना, अब तक तो मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुषार को नीचा दिखाने के लिए मुझे अपने लेवल से ऊपर उठना ही होगा। I have to do something big, at any cost, हर हालत में। मतलब तुम सक्सेस पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करोगी? जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, वो कभी ऊपर नहीं उठते। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देते। They are characterless people. बस सपना, बस कर अपना लेक्चर। तेरी वजह से मैं संध्या दीदी की शादी में भी चुप रही। मैंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। लोग समझते रहे कि मैं संध्या दीदी के जाने के दुख में रो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं तुषार के दिए हुए धोखे की वजह से दुखी थी। लेकिन कब तक छुपाऊंगी मैं अपनी ये तकलीफ? और अब तू चाहकर भी नहीं छुपा सकती। मम्मी आप? हाँ, मैंने अभी जितना सुना वो मेरी आत्मा को हिला देने के लिए काफी था प्रियंका, लेकिन फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ अभी जो तू सपना को कह रही थी उसमें कितनी सच्चाई है। एक्चुअली मम्मी, तू चुप रहे। तूने भी मेरे विश्वास को उतनी ही ठेस पहुंचाई है जितनी इसने। ये बात मुझसे छुपा कर तूने भी मेरे साथ उतना ही बड़ा विश्वासघात किया है जितना प्रियंका ने, लेकिन तुझसे मैं बाद में बात करूंगी। तू बता प्रियंका, ये तुषार वही है ना जिसकी तारीफ करते करते तेरा मुंह नहीं थकता था? बड़ा भला आदमी है वो, यही भलाई की उसने तेरे साथ। मम्मी मुझसे भूल हो गई, मैंने उस पर हद से ज्यादा यकीन किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। किस हद तक, किस हद तक धोखा दिया उसने तेरे यकीन को? प्रियंका, कहीं वो हद औरत की मर्यादा से बाहर तो नहीं चली गई? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली मम्मी, तुषार ने प्रियंका के साथ प्यार का नाटक किया था और फिर उसे एक ऐड देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे कंपनी से निकाल दिया और दूसरी लड़की को ऐड दे दिया। इसलिए मम्मी, प्रियंका इज हर्ट। क्या ये सच कह रही है? हाँ मम्मी, सपना बिल्कुल सच कह रही है। हमने तुझे अपना रास्ता चुनने की इजाजत दी थी प्रियंका, भटकने की नहीं। मम्मी, कोई अपने मर्जी से नहीं भटकता है। मैं भी अपने रास्ते पर चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ठोकर खाने के बाद भी अगर इंसान की आंख ना खुले तो उसका चलना बेकार है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी इस बारे में। नहीं मम्मी प्लीज, आप पापा को कुछ मत बताना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको तो पता है फिर दीदी का इस घर से निकलना बंद हो जाएगा। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अपना करियर भूल के इस घर में ही रहे। क्या होगा, क्या होगा? मुझे रोकने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ।